मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा का नया कार्यालय बन रहा है और पुराना टूट चुका है। पुराने कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया की मूर्ति लगी हुई थी। अब जिस अस्थायी इमारत में भाजपा कार्यालय शिफ्ट किया गया है उसे भी कॉरपोरेट की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैदान में सिर्फ दो सीमेंट के बेस हैं, तीसरा बेस नहीं है। दो बेस लगाने का मतलब ये है कि पार्टी की मंशा दो ही मूर्तियां लगाने की है। ये दो नेता कौन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ सवाल ये भी कि आखिर कब तक भाजपा के पितृपुरुष की प्रतिमा कमरे में कैद रहेगी। मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भवन का बड़ा एवं प्रमुख हिस्सा ढहा दिया गया है। इसे पूरी तरह समतल कर नई और अत्याधुनिक इमारत बनाई जाएगी। इसे तोड़ने के लिए 4 महीने पहले भवन को खाली कर दिया गया था और अब बीजेपी का प्रदेश कार्यालय सामने ही स्थित पुराने आरटीओ भवन में शिफ्ट हो चुका है। यहां तमाम पदाधिकारियों को अलग और बड़े बड़े कक्ष मिले हैं जो पूरी तरह फर्निश्ड हैं। लेकिन इन 4 माह में अब तक किसी को नए और अस्थायी भवन में जगह नहीं मिली है, तो वो है बीजेपी के पितृपुरुष जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया। फर्श से बीजेपी अर्श तक पहुंची है तो उनकी वजह से, लेकिन पुराने भवन से निकाली गई उनकी प्रतिमाएं किसी कमरे में कैद है जो 4 महीने से रिहाई की आस देख रही है। नए और अस्थायी भवन की साथ सज्जा देखते ही बन रही है। यहाँ लॉन भी है और पदाधिकारियों के लिए उम्दा कक्ष भी। लॉन में 2 चबूतरे भी तैयार है जो आगंतुकों की जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल पुराने बीजेपी कार्यालय के लॉन में भाजपा के पितृपुरुष दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा लगी हुई थी। नए भवन में सिर्फ 2 चबूतरे हैं जहां 2 महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब इनमें वो कौन 2 महापुरुष होंगे जिन्हें स्थान मिलेगा और तीसरे कौन होंगे जिन्हें अभी रिहाई का इंतजार करना होगा। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो बीजेपी के 2 असल महापुरुष की प्रतिमाएं ही यहां भविष्य में दिखाई देंगी। इसलिए हो सकता है कि इन 3 महापुरुषों में से सिर्फ एक को ही यहां स्थान मिले, क्योंकि बीजेपी के असल संस्थापकों में 2 ही महापुरुषों की गिनती होती है। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की मजबूत इमारत खड़ी करने वाले ठाकरे और इसे सिंचित करने वाली राजमाता को क्या नई जगह तलाशनी होगी। इसलिए जब भी प्रतिमा स्थापित होगी उसके बाद भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहने की पूरी संभावना है।